हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल दिनेश ब्लॉग टीवी में स्वागत है। और हम जैसे कि संगम जा रहे हैं, तो फ्रेंड हम लोग जैसे कि संगम पहुंचने वाले हैं और बस थोड़ी ही दूर बचा संगम पहुंचने के लिए। नगरी प्रयाग में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम संगम के तट पर आ गए हैं, पर गंगा नदी का इतना जलस्तर बढ़ा है कि संगम तक जा नहीं सकते, क्योंकि इधर से गंगा नदी जा रही है और उधर से यमुना नदी आ रही है, इसीलिए दोनों का पानी मिल रहा है, इसलिए बहुत तेज़ी से जलस्तर बढ़ा है। आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कुंभ मेले का आयोजन 4 तीर्थ स्थलों पर होता है। ये स्थल हैं उत्तराखंड में गंगा नदी पर हरिद्वार, और मध्य प्रदेश में छिप्रा नदी पर उज्जैन, महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर नासिक, और उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना सरस्वती तीन नदियों के संगम पर प्रयागराज। इतिहास में कुंभ मेले की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई और इसकी कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं है, परंतु इसके बारे में जो प्राचीनतम वर्णन मिलता है वह सम्राट हर्षवर्धन के समय का है, जिसका जिक्र चीनी के प्रसिद्ध तीर्थयात्री ह्वेनसांग ने किया था। माना जाता है कि पुराणों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इसकी शुरुआत शंकराचार्य ने की थी, और कुछ कथाओं के अनुसार कुंभ की शुरुआत समुद्र मंथन के समय हो गई थी। ऐसा कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय अमृत कलश की कुछ बूंद गिरी थी, जिनमें से पहली बूंद प्रयागराज में, दूसरी बूंद उज्जैन में, और तीसरी बूंद हरिद्वार में, और चौथी बूंद नासिक में गिरी थी। इसीलिए इन 4 जगहों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। हर 12 वर्ष के अंतराल पर चारों में से किसी एक नदी के तट पर महाकुंभ मनाया जाता है। प्रत्येक 12 वर्ष में पूर्ण कुंभ का आयोजन होता है। क्या हाल है लेटे हुए हनुमान जी को, आइए दिखाते हैं। देख लीजिए, आप लोग भी पूरी तरह से जलमग्न हैं। लोगों का यह कहना है कि अगर आप गंगा स्नान किए और लेटे हुए हनुमान जी का दर्शन नहीं किए तो आपका स्नान करने का कोई मतलब नहीं है। जय बजरंगबली। कमेंट में एक बार ज़रूर लिखें अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, और कभी यहाँ गंगा स्नान करने आएँ तो दर्शन करके ज़रूर जाएँ। तो फ्रेंड, बेसिकली हमने संगम और लेटे हुए हनुमान जी घूम लिया है, अब चल रहे हैं घर सभी लोग।